हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड फोर्थ मैथ्स चैप्टर 11, पेज नंबर 123। टुडेज टॉपिक इज हाउ मैनी कैट्स। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वेयर प्लेइंग इन अ बॉक्स। व्हेन सी ट्राइड टू काउंट, ऑल शी कुड सी वर लेग्स। सी काउंटेड 28 लेग्स। हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स। अब कैट्स के कितने लेग्स होते हैं बच्चों? 4 लेग्स। कितने? 4। अब गायत्री ने कितने काउंट किए हैं? 28। एक कैट का लेग क्या होगा? 4। तो 28 के कितने होंगे? 4 लेग कितने कैट्स के होते हैं? 8। ये लेग और ये कैट। टोटल कितने हैं हमारे पास लेग्स? 28। तो कितने कैट्स हैं? तो क्या करेंगे? 28 डिवाइडेड बाय 4। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 28 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करने का होता है। 28 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है और जो ऊपर होता है उससे डिवाइड करने का होता है। ठीक है, तो चलो 28 डिवाइडेड बाय 4। 28 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 का टेबल बोलो। 4 7 are 28, यानी टोटल्स कितनी कैट्स हुई यहाँ पे? 7। 8 लेग्स मीन्स 2 कैट्स। अब यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि 8 कैट मतलब कितनी? यही हमने पहले ही बोला था कि एक कैट के कितने लेंगे वो लेग्स होंगे? 4। तो कितने लेग्स हैं यहाँ पे? 8 लेग्स हैं। 8 लेग्स यानी कितनी कैट्स? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 2 ज़ा 8 यानी कितनी लेग कैट्स होंगी? 2। तो 12 लेग्स मीन्स, अब ऐसा ही हुआ, लेग्स इक्वल्स टू कैट। कितने लेग्स हैं? 12। 4 लेग इक्वल टू 1 कैट। अब टोटल कितने लेग्स हैं? 12 इक्वल्स टू कितनी कैट्स? तो क्या करेंगे? 12 1 ज़ा 12 अब डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4। 4 3 ज़ा 12 यानी अब कितनी कैट्स होंगी? 3। यानी ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा? 3 कैट्स। अब देखो नीचे टेबल दिया हुआ ही है। हाउ मैनी लेग्स? 4 लेग्स हुए तो 1 कैट। 8 लेग्स हुए तो 2। 12 3 16 4 25 24 को किससे? 4 4 से डिवाइड करेंगे तो 6। 28 7 32 लेग्स हुए तो 8 कैट्स। सो 28 लेग्स मीन्स 7 कैट्स। ये ऊपर हमने जो सॉल्व किया था वही। मीना हैज kept his chickens in a box. He counted 28 legs. How many chickens are there? अब देखो चिकन के कितने लेग्स होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अब यहाँ पे टोटल लेग्स कितने हैं? ये क्या है? लेग। एंड ये क्या है? चिकन। कितने लेग्स हैं टोटल? 2 लेग्स होते हैं तो कितना चिकन होता है? 1। अब यहाँ पे टोटल लेग्स कितने हैं? 28 लेग्स। तो कितने चिकन? तो क्या करेंगे? 28 डिवाइडेड बाय 2। 28 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 यानी कितने चिकन्स हुए हैं? 14। ठीक है, तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। लीना हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉज शी ऑलवेज फ्रॉम स्कूल। अब देखो वो कितने 21 डेज नहीं गई है स्कूल। अब हमें वीक लिखने हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 यानी 1 वीक, और 7 प्लस करें तो 14 यानी 2 वीक्स। फिर 14 में 7 प्लस करें तो 21, 3 वीक। ऐसे टेबल बनेगा। ये क्या हुए? डेज। और ये क्या हुआ? वीक्स। ठीक है, यानी वो कितने इस वीक्स नहीं गई स्कूल?
3 वीक स्कूल नहीं गई है। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। देन जंपिंग एनिमल्स, डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? अ फोक जंप्स 3 स्टेप एट द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब यहाँ पे आपको जो स्नैक दिया हुआ है, पता है थर्ड स्टैंडर्ड में भी था, दोनों पेज में बहुत बड़ा स्नैक था, तो बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 0 से लेके 27 तक। पर वो फ्रॉग है वो जंप क्या कर रहा है, जैसे 1 2 3, तो फ्रॉग यहाँ से स्टार्ट करके 3 4 5 6, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट 6 7 8 9, ऐसे 3 3 वो जंप कर रहा है। ठीक है, ही हैज टेकन 27, काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। अब 27 तक पहुंचेगा तब तक वो कितने जंप करेगा, तो जंप कितने का कर रहा है, 3 3 स्टेप का, यानी 27 डिवाइडेड बाय 3। 3 9s are 27, यानी कितने जंप हुए हैं, 9 jumps। He has taken dash jumps if he get at 36। अब 36 नंबर पे पहुंचेगा तब तक उसने कितने जंप किए होंगे, तो अब 3 3 स्टेप के जंप कर रहा है, यानी 36 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, कितने 12, कितने 12, 36 नंबर पर पहुंचेगा तब तक उसने कितने जंप मारे होंगे, फ्रॉग ने 12 जंप मारे होंगे। थर्ड, इफ ही इज एट 42, ही हैज टेकन डैश जंप। अब वैसे ही 42, यानी 42 डिवाइडेड बाय 3, कितने जंप ले रहा है वो, 3 3 के। 3 1s are 3, 1 left 2 are 12, 3 4s are 12, यानी आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, वैसे ही अब क्या है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम, इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीच 25। अब जैसे फ्रॉग 3 के जंप ले रहा था, वैसे वो बड़ा जंप ले रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे, तो 1 to direct 5, 5 to direct वो कहाँ आता था, 10, ऐसे अब कितने 5 5 के जंप ले रहा था, 25 तक पहुँचेगा तब तक उसने कितने जंप लिए होंगे, तो क्या करेंगे, 25 divided by 5, कितने स्टेप्स ले रहा है, 5, यानी 5 5s are 25, तो आंसर क्या आएगा, 5 जंप लिए होंगे 25 तक पहुँचने के लिए। ही रीच्स डेस्क आफ्टर टेकिंग 8 jumps, अब वो 8 jump के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, तो कितने स्टेप्स ले रहा है वो, 5 के, कितने 8, तो 8 5 multiply by 5 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पहुँचा है, 8 5s are 40, यानी वो कौन से नंबर पर पहुँचा होगा, 40, ही रीच 40 आफ्टर टेकिंग 8 jumps। He needs this jump to reach 55, अब 55 तक पहुंच जाएगा तब तक कितने जंप लिए होंगे, तो टोटल नंबर क्या है, 55, स्टेप्स कितने ले रहा है, 5, यानी 55 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, यानी कौन सा नंबर मिलेगा हमें, 11। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस टाइम वाला जो है वो आपको होमवर्क में करना है, सिर्फ डिवाइड लिखने हैं, 28 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आएगा, 14, 56 डिवाइडेड बाय 7, यानी 8। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस टाइम वाला है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।